संसार का प्यार धोखा है, पर मेरे यीशु का प्यार अनोखा है। जो अनोखा प्यार करता है, जो अद्भुत प्यार करता है, जिसने अद्भुत रीति से हमारी रचना की है, जो अद्भुत रीति से हमारे दुखों का खात्मा कर सकता है, उससे हमें अपने दुख को शेयर ज़्यादा करना चाहिए। हालेलुया। पर वो हमारा परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ने वाला और कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। बाइबल ऐसा बताती है कि वे तुझे कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। पर शर्त किस बात की है? क्या वाकई में आप खुदावंत के साथ प्रेम करने वाले हैं? क्या वाकई में आप खुदावंत की भक्ति में सच्चे हैं? क्या आप वाकई में राजा हिजकिया की तरह खरे मन से और सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं? शर्त की बात यह है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि सारी की सारी चिंता को छोड़कर हमें उसके ऊपर डालकर प्रार्थना विनती में लगे रहना चाहिए, धन्यवाद में लगे रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारी चिंता को जब हम उसके ऊपर डाल देते हैं तो निश्चय परमेश्वर हमें हमारे दुखों से छुटकारा देता है, क्योंकि वो हमारे दुख को समझता है, वो हमारी तकलीफ को समझता है। वो बहरा नहीं है, उसकी आंखें भी हैं, उसकी कान भी हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को, वो हमारी दुहाई को सुनता है और हमारे आंसुओं को देखता है। हालेलुया। जैसे उसने राजा हिजकिया के आंसू देखे हैं, वो आपके और मेरे आंसू को भी अच्छी रीति से देखता है। हालेलुया। जब आप अकेले होते हैं तो परमेश्वर के सामने अपने दुखों के लिए, अपनी तकलीफों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए रोया करें। किसी इंसान के सामने आपको रोने की जरूरत नहीं, किसी दुनिया के व्यक्ति के सामने आपको रोने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के साथ रोएं, परमेश्वर के सामने रोएं, परमेश्वर के सामने चाहे बिलक बिलक के रोएं, वो आपके आंसुओं की कदर करेगा, वो आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में इकट्ठा कर लेगा। हालेलुया। और अपने घर का सुख जो है हमें दुनिया को बताना चाहिए, ताकि हमारे खुदावंत की क्या हो, महिमा हो, ताकि हमारे खुदावंत के नाम को जलाल मिले। हम अपने दुखों को, अगर हम मसीह लोग अपने दुखों का बयान संसार के सामने करते रहेंगे तो इससे हमारे परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। पर अगर हम अपने सुखों का, परमेश्वर ने जो हमें शांति दी है, परमेश्वर ने जो हमें तसल्ली दी है, परमेश्वर ने जो हमें खुशी दी है, अगर हम उसका बयान परमेश्वर के सामने करेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमसे बड़ा खुश होगा।